नमस्कार, आइए सात पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं और लिंक तक पहुँच कर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और बहुत छोटी कदमें रह गई, यानी इस बात को आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंतर्गत यदि आप कोई भी बड़ा फैसला किसी दूसरे से सलाह करके नहीं लेंगे तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा। ये उंगली, अब इसका जो फल आप ले चुके वो ले चुके, लेकिन आगे के जीवन के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी फैसले को लेने से पहले अपने घर के बुजुर्गों से, अपनी पत्नी से, या जिसको आप अच्छा सलाहकार सही तरीके से खूब ठोक बजा करके आप निर्णय लें, वरना आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये बताती है आपकी कनिष्ठा उंगली। बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ एकदम अलगाव के साथ में, आपकी शनि के साथ में नहीं है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति को सही रूप से अगर कहें तो परिवार का सहयोग भी नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ यदि कोई पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति चाहकर भी अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख पाता या उनकी सेवा नहीं कर पाता है। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली बिल्कुल एकदम ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के ऐसा नहीं लगता कि शनि की ढैया या शनि की साढ़े साथी में आपको कोई ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आपका शनि तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक ही है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके पास बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली को छूने के लिए बेकरार। ज़्यादा उंगली का होना किसी भी चीज़ की ऊंचाई, जब तक शनि की उंगली को छूने का प्रयास करती है तब तब आदमी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि को चलाता है, और बुद्धि को चलाने के बाद ज़्यादा नुकसान भी उठाता है। तो आपकी दोनों उंगलियों ने इस बात को बताया, ये गलतियां आपसे हुई होंगी जीवन में और जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ा होगा। तो कुल मिलाकर के ईश्वर के प्रति आपकी आस्था पूर्ण रूप से है, ये आपकी बृहस्पति की उंगली बताती है। अब मैं बात करूंगा आपके बुध पर्व की। ये बुध पर्व और बुध पर्व को यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर ठीक ठाक सामान्य रूप से रेखाएँ खड़ी हुई हैं, पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, धन की बहुत या तो आता ही नहीं, आ भी जाए तो तुरंत खत्म हो जाता है, व्यक्ति पर कर्ज हो जाता है, तो फूला हुआ पर्वत है या इन्वेस्टमेंट को दिखला रहा है। आइए सूर्य पर्वत की बात कर लें। सूर्य पर्वत बिल्कुल एकदम दबा हुआ, कोई अच्छे इंडिकेशंस की रेखाएं भी नहीं। जब इस प्रकार का पर्वत होता है तो व्यक्ति को राज्य से, सरकार से अगर यदि टेंडर्स मिल भी जाते हैं तो उनमें फ़ायदा नहीं मिलता, साथ ही साथ राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला आपका ये शनि का पर्व है। अब मैं बात करूँगा आपके वो सूर्य का पर्व है और यहाँ शनि पर्व की बात करता हूँ। शनि का पर्व और यहाँ शनि का पर्व भी यहाँ पर दबा हुआ है, यानी कि वर्तमान में अगर यहाँ कोई ज़्यादा अच्छी रेखाएँ नहीं खड़ी हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सारे जीवन में ऐसी रेखाएँ खड़ी नहीं होंगी। यहाँ कुल मिलाकर के अभी इस प्रकार को दिखलाती हैं कि आप चिंता ना करें, आपकी इज्जत सम्मान आपका बना रहेगा, धन कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, परेशानी जरूर है इस बात को पर्वत भी बता रहा है। बृहस्पति बात पर्वत की बात कर लें। बृहस्पति पर्वत यहाँ उठा हुआ, दबा हुआ, यानी कि जीवन के अंदर अगर कुल मिलाकर कहूँ एक ये त्रिभुज बना जिसकी वजह से आप जो है मंगल के काम कर पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ एक इस तरह का जो साइड से वो एक दीप सा बना है, इसकी वजह से आपके काम पर ग्रहण भी लगा है। तो कुल मिलाकर के आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है अच्छे सुख साधनों के लिए और अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छे वाहनों के लिए, तो यहाँ धन से संपत्ति से समस्याओं के लिए, तो ये बृहस्पति यहाँ अनुकूल नहीं निकला। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं देखूँ आपकी को, तो यहाँ पर हृदय रेखा काफ़ी मोटी हृदय रेखा है। जब जब ऐसी मोटी रेखा हृदय रेखा होती है तो देखिए, हृदय से संबंधित तो कोई रोग होते नहीं, परंतु कुछ ना कुछ पेट के रोग चलते रहते हैं। बस इतना भर समझिए, आपके पास इतना धन यहाँ कहीं है नहीं कि आप किसी के काम आ सके, परंतु साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो मन से आप अच्छे हैं, बस कुछ ना कुछ पेट के रोग आपको लगे रहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हम आपके मंगल क्षेत्र की। मंगल क्षेत्र और मंगल क्षेत्र पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ साहसिक रेखाएँ आपके पास हैं। ऊपर वाला यदि ट्रायंगल नहीं होता जो मैंने बताया था, तो निश्चित रूप से आप
उस काम को नहीं कर पाते। यहाँ पर कुछ एक संकेत जो है, ये मंगल रेखा पर ग्रहण का सा काम कर रहा है, छोटा सा संकेत का सा, जो कुछ यहाँ पर ऐसा लगता है देखने में जैसे कुछ ऊपर से हल्का सा कोई दीप सा बना हो नीचे के लिए, या ये रेखा अपने आप में कोई दूषित चिन्ह ही है जो आपके माइंड को डिप्रेशन देता है। बात कर लेता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की, बुद्धि रेखा, और यहाँ पर बुद्धि रेखा में यदि मैं देखता हूँ तो बुद्धि रेखा जाकर के यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप कहते हैं कि सुसाइड के विचार दिमाग में आते हैं, ये आपकी परिस्थितियों के अनुसार हैं। जब धंधा नहीं मिलता, काम नहीं चलता, तो उसके अनुसार स्थितियां आ जाती हैं। मैं आगे आपकी भाग्य रेखा से बात बताऊंगा, उसकी वजह से ऐसा है, वरना आपके पास कोई मानसिक डिप्रेशन या इस तरह का कोई संकेत नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा इस बात को लेकर के आप जरूर चिंता होंगे कि आपका इस समय काम कार्य सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा में किसी प्रकार की कमी नहीं है। द्वितीय मंगल पर भी कोई ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि आपको किसी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत बिल्कुल यहाँ पर कहीं दूर देश से जुड़ करके कोई आमदनी के आपको यहाँ स्रोत नहीं नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो चंद्र पर्वत यहाँ अनुकूल है, और यहाँ पर ये चक्र जो बन गया है, इस चक्र की वजह से कुछ आप मन में टेंशन जरूर ला सकते हैं। इसे कह दीजिए कि भंवर योग बोलते हैं हम इसे। चंद्रमा पर भंवर योग जब बन जाता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ मानसिक चिंताएं उसके अंदर आती हैं, सुसाइड जैसे विचार, लेकिन आप सुसाइड करेंगे नहीं, ये मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये सब कुछ हो गया, अब मैं बात बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आगे की, तो यहाँ कुल मिलाकर के व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नज़र मुझको कहीं नहीं आई। यहाँ आपने व्यापार किया या आप पिछले समय में नौकरी करते, दोनों की स्थिति अनुकूल ही रहती, यानी पिछला समय ठीक आपका पास बढ़िया था, वो आपकी भाग्य रेखा ने बताया है, और मैं उसको पढ़ लेता हूँ। देखिए, यहाँ नीचे से निकल करके आने वाली ये रेखा और भाग्य रेखा ऊपर तक चली गई, यानी परिवार से तो आप ठीक, और यहाँ आपकी भाग्य रेखा ने बस यहाँ थोड़ा गई, और यहाँ के बाद बिल्कुल धूमिल हो गई, एकदम मिट गई। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा आपके पास खाली पड़ा है, यानी कि आप इस समय मेरे पास में 47 से 48वें वर्ष के बीच में बात कर रहे हैं, और इस बीच में यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा एकदम खत्म हो गई है। साथ ही साथ राहु क्षेत्र से भी कुछ थोड़ी सी रेखाएं और भी आ रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टाइम आपका 48 से लेकर के और 55वें वर्ष तक है। 54 से 55 के बीच का बहुत डिफिकल्ट टाइम आपके पास आगे भी आने वाला है, इसलिए आपको ना कुछ भी सुसाइड का मन में विचार कुछ नहीं लाना है उसके बाद, क्योंकि स्थितियां अनुकूल आपके लिए हैं। तो यहाँ स्थिति बहुत डिफिकल्ट, परंतु ये भाग्य रेखा मैं पक्का बताता हूँ, जो मैं पूजा आपको बताऊंगा उससे भाग्य रेखा यहाँ खड़ी हो जाएगी, और आपका जीवन एकदम दोबारा से सुचारू रूप से खड़ा हो जाएगा। मंत्रमणि जिमि विषम ब्याल के मेट ही जाए कुलंक भाल के, आपके माथे से मंत्रों के जाप से आप अपना भाग्य उर्जित कर सकते हैं, ये परम सत्य है। तो चलिए, यहाँ मैंने आपको ये भी बता दिया है। अब मैं आपकी कुछ और सवालों के जवाब लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे सब बात करूँगा। सिविल इंजीनियर हैं आप 2007 से 2012 तक जॉब कर रहे थे, ठीक था, बिल्कुल रेखा भी सही है। अगर जॉब नहीं कर रहे होते तो उस समय व्यापार कर रहे थे तो भी ठीक ही रहते आप। तो सिविल इंजीनियर हैं आप जो हैं, और 20 साल थे, अब आगे जब 12 से आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको सफलता भी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 2019 की अगर बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि लगभग लगभग आपके जीवन में यहाँ 45-46 वर्ष से आपका 46 वर्ष से आपका जो है लगभग लगभग आपका सही समय खराब खराब समय शुरू हुआ, उसमें ही आपने व्यापार कर लिया 2019 में, और आपको धोखा हो गया। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको अब आगे ध्यान रखना है कि अब 3 साल तो बहुत ही डिफिकल्ट हैं आपके, तो उस समय आपको जो किसी से साझेदारी नहीं करनी है और सोच समझ करके अपने निर्णय आपको लेने हैं। अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो काम करते आ रहे हैं वही काम आप सुचारू रूप से करिए। अभी आपके पास ज़्यादा ऑफर नहीं आएंगे, अभी आपको ज़्यादा काम नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट टाइम में शांति के साथ रहिए।
हाँ, उसको ऊर्जित करने का जो तरीका है मैं आपको बता दूंगा, फिर देखिए आप अपने जीवन में ना आपको सुसाइड के विचार आएंगे और साथ ही साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे भी, ये मेरा दावा है। आगे बात करते हैं आप बाकी का जीवन कैसा रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समय, ये टिफिकल्ट टाइम है, ये निकाल दीजिए, 3-1 साल का समय है, उसके बाद में ठीक ठीक स्थिति शुरू हो जाएगी और फिर आप बढ़िया जीवन में खूब तरक्की उन्नति प्राप्त करेंगे। तो ये सब मैंने आपके बारे में बताया। शुक्र इस समय बिल्कुल पीड़ित है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय शुक्र पर कोई भी सुख सुविधाएं की रेखा नहीं है। इस समय शुक्र बहुत पीड़ित है, अच्छे सुख साधन आपके पास मौजूद नहीं है। आयु रेखा की बात करता हूँ, अभी तो आपके हाथ के अंदर 76 से 77 वर्ष की आयु रेखा है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, तो कोई भी चिंता करने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ अब उपाय बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए और निश्चित करिए और फिर मुझे आप याद करेंगे। नंबर 1, देवी कवच, दुर्गा सप्तशती नाम की किताब आती है, उसके अंदर देवी कवच होता है। नित्य आपको अपनी पूजा में सुबह के समय देवी कवच पढ़ना है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्रोत है, सिद्ध कुंजिका स्रोत, उसका पाठ करना है। पहले देवी कवच करें तो देवी कवच पहले मिलेगा, सिद्ध कुंजिका स्रोत बाद में मिलेगा। तो पहले देवी कवच पढ़िए, फिर सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़िए, उसके बाद बजरंग बाण पढ़िए। देखिए कैसे आपकी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और आप जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। यहाँ आपने यदि पुखराज पहन रखा है तो इसकी जगह, यदि आप पुखराज ना पहने, आप इसकी जगह पे आपको फायर ओपल बनता है। जब आप पर पैसे हों तो आप यदि चाहेंगे तो आपको हम फायर ओपल दिखला देंगे और आपको पहुँचा भी देंगे। तो फायर ओपल पहनिए, पुखराज मत पहनिए आप। तो बस इतना वर्क करिए जो मैंने पूजा पाठ बताई है, पूजा पाठ करिए। आपने उधर यदि मोती पहन रखा है तो पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या पन्ना पहन रखा है तो बस इतना समझना है आपको और ये पूजा पाठ करनी है। आप जीवन में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये मेरा दावा है। नमस्कार।